फेस्टिवल सीजन में मार्केट से कोई भी फरसान लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बढ़िया और टेस्टी सी भाकरवड़ी तो हम अपने घर पर ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने घर पर इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से बनाकर तैयार की है, और इतनी बढ़िया और इतनी टेस्टी सी भाकरवड़ी। तो आइए चलकर देखते हैं कि टेस्टी सी भाकरवड़ी को हम कैसे बनाते हैं। आज हम बनाएंगे भाकरवड़ी। यहाँ पर भाकरवड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है लगभग 300 ग्राम मैदा और 150 ग्राम के लगभग मैंने लिया है बारीक वाला बेसन। यहाँ पर मैंने मैदा और बेसन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करें। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे भी मिक्स कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 30 से 35 ml तेल, जो कुकिंग ऑयल होता है उसे हम इसमें मोयन के लिए मिक्स करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हाथों में मसलते हुए हमें तेल और सभी मसालों को अच्छी तरह से हमारे आटे में मिक्स कर देना है। इस तरह से हमने ऑयल और सभी मसालों को मिक्स कर दिया है। अब इस आटे में से हमको निकाल लेना है थोड़ा आटा। लगभग 50 ग्राम के जितना आटा हम इसमें से अलग निकाल लेंगे ऐसा ही। और इस आटे को हम पानी की सहायता से जैसा पूड़ी के लिए आटा बांधते हैं वैसा बांध कर ले लेंगे। भाकरवड़ी का मसाला तैयार करते हैं। तो भाकरवड़ी का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, साथ ही 2 पिंच के जितनी मैंने ली है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के मैंने ली है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गरम मसाले का, 4 चम्मच मैंने ली है खसखस, 4 चम्मच ही लिए हैं हमने यहाँ पर तिल, 2 चम्मच ली है सौंफ, साथ ही लगभग 5 से 6 चम्मच भर के मैंने लिया है सूखा धनिया। यहाँ पर हम लेंगे 4 चम्मच सींग दाने का पाउडर, साथ ही 4 चम्मच के जितना ही मैंने लिया है सूखा खोपरा, इसे घिस कर ले लिया है, और लगभग 8 चम्मच भर के मैंने लिया है शक्कर का पाउडर। तो इन्हीं सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे। और मिक्सी का हम चटनी वाला जार लेंगे। इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हमारे सूखे धनिए, साथ ही ऐड कर देते हैं हमारी सौंफ। यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे हमारे तिल, साथ ही ऐड कर देते हैं खसखस। यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा गरम मसाला, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, साथ ही सूखा हुआ जो खोपरा है हमारा उसे भी ऐड कर देते हैं, और सिंग दाने के पाउडर को भी ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्सी में पल्स मोड पर पीस लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने मिक्सी में इस मसाले को पीस लिया है, और इस तरह का हमारा मसाला यहाँ पर पीस कर तैयार हो गया है। और एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे हम हमारे इस मसाले को, जो शक्कर का पाउडर हमने लिया था उसे भी इसमें मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे हमारा जो आटा, हमने जो आटा बचा कर रखा था हमारे आटे में से, उसे हम इसी में मिक्स करेंगे इस तरह से, और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और हमारा भाकरवड़ी का स्पेशल मसाला यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से मसाला बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब चाहे तब इससे भाकरवड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो गया है, और आटे को भी हमने अच्छी तरह से बांध कर ले लिया है। एकदम पूरी के जैसा सख्त आटा हमें इसका बांध के लेना है। अब इस आटे को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद तैयार करेंगे इससे भाकरवड़ी। लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और इस आटे को ये देखिए अच्छी तरह से सेट हो गया है हमारा आटा इस तरह का। अब हम इस आटे से तोड़ेंगे छोटी छोटी लोई, जो हम रोटी के लिए लोई तोड़ते हैं आटे की, उसी तरह की लोई हम इसकी तोड़ेंगे। इसे अच्छे से गोल करेंगे। यहाँ पर आटे की एक लोई को हमने अच्छे से गोल कर लिया है। अब हम बेलन की हेल्प से इसे पतला सा बेलेंगे इस तरह से। इसे हमें एकदम से पतला बेल लेना है। बड़ी सी रोटी हमने बेल कर तैयार कर ली है, एकदम पतली, ये देखिए इस तरह की। इस तरह से हमें इसकी पतली रोटी बेलकर तैयार कर ली है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे हमारा मसाला, जिस मसाले को हमने तैयार करके रखा है उसमें से मसाले को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, अच्छी तरह से इसे फैलाएंगे अपने हाथों की हेल्प से। अच्छी तरह से इक्वली मसाले को थोड़ा थोड़ा पूरी रोटी में फैला देंगे। लगभग 3 चम्मच मसाला मैंने यहाँ पर लिया है, और इसे इस तरह से रोटी के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। प्रेस करते हुए हम इस मसाले को रोटी के ऊपर फैला देंगे, और बाद में इसके ऊपर हम अच्छी तरह से बेलन घुमा देंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से सेट हो जाए पूरी रोटी में। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमें बेलन को मसाले पर घुमा देना है। इस तरह से बेलन से हमने मसाले को इक्वली चारों तरफ फैला दिया है। इसका हमें टाइट रोल बनाकर तैयार करना है। इस तरह से अच्छी तरह से घुमाते हुए टाइट रोल बनाकर हम इसका तैयार करेंगे।
इस तरह से हमें इसका एक टाइट रोल बनाकर तैयार कर लेना है। और इसका जो लास्ट एज है इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, केवल उंगली को पानी में डिप करके थोड़ा सा इस तरह से लगा देना है और इसे अच्छी तरह से रोल कर देना है। इस तरह से ये देखिए हमारी भाकरवड़ी का एक रोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम हमारे सभी रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से हमारी भाकरवड़ी के सभी रोल बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। इस रोल को हम पतला पतला कट कर लेंगे इस तरह से, एक शार्प नाइफ की हेल्प से। ये देखिए इस तरह से हम इसे पतला पतला कट करेंगे। बहुत अच्छे से कट हो जाते हैं इस तरह से हमारे ये पीस। ये देखिए सभी भाकरवड़ी को हमें इसी तरह से कट कर लेना है, एकदम बारीक बारीक हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पूरे रोल को कट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारी भाकरवड़ी को फ्राई करने के लिए हमने ले लिया है कढ़ाई में तेल, और तेल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। अच्छे से गर्म हो जाने के बाद गैस का फ्लेम हमने कर दिया है मीडियम, और ऐड कर देते हैं हम हमारी भाकरवड़ी को इसमें। तो ये देखिए हमारी भाकरवड़ी अच्छे से फ्राई हो रही है, गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक हमें इसे मीडियम गैस पर फ्राई करना है। इस तरह से हमारी भाकरवड़ी यहाँ पर बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है, ये देखिए, और अच्छे तरह से फ्राई हो गई है। आइए अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी भाकरवड़ी बनकर तैयार है, कितना बढ़िया सा गोल्डन कलर आया है, और बहुत अच्छे से हमारी भाकरवड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम हमारी सभी भाकरवड़ी को फ्राई कर लेंगे। लीजिए कितनी सारी भाकरवड़ी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। घर पर इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से ही ये भाकरवड़ी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। महीने भर तक भी आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रखें तो ये खराब नहीं होती है और बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह की बढ़िया सी भाकरवड़ी इस फेस्टिवल सीजन आप भी अपने यहाँ एक बार जरूर से ट्राई करें।